हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो है कि छोटे न्यूबॉर्न बेबीज का स्पंज बात कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पंज करने से पहले की प्रिपरेशन, तो बेबी के क्लोथ्स जो कि सब रेडी हैं, इस सीक्वेंस वाइज मैंने रखे हुए हैं। कोकोनट ऑयल जो मैं फेस पे, हेड पे और जेनिटल एरिया पे यूज़ करूँगी। ये हमारा तिल ऑयल होता है जिसको यूज़ करते हैं मालिश के लिए। हीटर ऑन, ट्राइपॉड रेडी एंड बेबी इज ऑल्सो रेडी। और एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट जिसके ऊपर रखूँगी मैं बेबी को और बेबी का स्पंज बात करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सामान रेडी रखेंगे और एक मग में गर्म पानी लेंगे और साथ में ले रही हूँ मैं एक कॉटन का हैंकी जिसके साथ मैं स्पंज बात करूँगी। कॉटन का कोई भी क्लोथ यूज़ कर सकते हैं। और आइस को क्लीन करने के लिए मैंने लिया है कॉटन, उसको पानी में डिप किया है और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। और आइस को क्लीन करेंगे कॉटन के साथ बिकॉज आइस आर वेरी सेंसिटिव, इसलिए मैं कॉटन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आइस को क्लीन करने के लिए। आइस क्लीन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बाकी बॉडी का स्पंज बात करना। तो यहाँ पर मैंने हैंकी को गीला किया है और सबसे पहले हेड से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हेड टू टो ही हम जो है बेबी का बॉडी वॉश करते हैं और क्लीन एरिया टू डर्टी एरिया की तरफ को हम बॉडी को क्लीन करते हैं। तो इसलिए हेड से स्टार्ट करेंगे और बॉडी में जहाँ पर भी फोल्डिंग एरियाज आ रहे हैं, जहाँ पर भी फोल्ड्स आ रहे हैं, वहाँ पर अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, यहाँ पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। ईयर्स के पीछे भी अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद मैंने बॉडी वॉर्मर की शर्ट खोल दी है और उसके बाद बनियान भी खोल लेंगे और फिर हम अपना जो अपर एरिया है, अपर ट्रंक एरिया है, उसको क्लीन करेंगे। और जो फोल्डिंग एरियाज है लाइक अंडर आर्म्स और एल्बोज, यहाँ पर जहाँ पर फोल्ड्स आते हैं वहाँ पर क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पंज करने से पहले मैंने मालिश की है, तो जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। पर फ्रंट एरिया क्लीन करने के बाद हम बैक क्लीन करेंगे। बैक में भी जहाँ पर भी फोल्ड्स आते हैं, मेन फोकस होता है फोल्ड्स के ऊपर, क्योंकि फोल्ड्स पे इन्फेक्शन जल्दी ग्रोथ हो जाती है, इसलिए फोल्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे और अच्छे से क्लीन करेंगे हैंकी को पानी में डिप करके। गर्म पानी में डिप करके ही हम जो है वो स्पंज बाथ करेंगे बेबी का। अपर बॉडी जो है वो क्लीन होगी है। अब हम बेबी का जो अपर एरिया उसको कवर कर देंगे और साथ के साथ बेबी के क्लोथ्स भी डालेंगे, क्योंकि अपर एरिया को हम एक्सपोज नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पर ठंड लगने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। और अपर एरिया में हम जो भी बनियान, बॉडी वार्मर, स्वेटर और फुल स्वेटर डालनी होती है वो डाल देते हैं। उसके बाद हम लोअर एरिया क्लीन करेंगे। अपर एरिया की क्लीनिंग और क्लोथिंग के बाद अब हम क्लीन करेंगे बेबी का लोअर पोर्शन, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। यहाँ पे भी जहाँ पे भी फोल्ड्स आते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, इसलिए इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। जेंटल एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके बाद बेबी के क्लोथ्स डालेंगे। लोअर बॉडी में क्लीनिंग के बाद अब हम अप्लाई कर रहे हैं कोकोनट ऑयल, क्योंकि बेबी को डायपर्स डाल रहे हैं और डायपर से जल्दी रैशेज आ जाते हैं, तो कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट ऑयल है बेबी के डायपर रैश से बचाने के लिए, इसलिए बेबी को जेनिटल एरिया में, बटक्स में हम कोकोनट ऑयल अप्लाई करेंगे। उसके बाद बेबी को डायपर डालेंगे।
लोअर बॉडी क्लीन करने के बाद मैंने क्लोथ्स डाल दी हैं, बेबी को सॉक्सेस भी डाल दी हैं, और उसके बाद बेबी को हम अप्लाई करेंगे कोकोनट ऑयल बेबी के हेड के ऊपर, क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल जो है बहुत बेस्ट लगता है बेबी के लिए, बेबी के हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, और वैसे भी अच्छा होता है। बेबी के फेस के ऊपर मैं कोई क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर बेबी स्किन। तो अनहित के ऊपर भी मैंने यही ऑयल जो है वो यूज़ किया था, और अब निशिता के लिए भी हम यही कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें, उसके स्किन के ऊपर भी, फेस के ऊपर भी, और ईयर्स के पीछे भी कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद डालेंगे बेबी को कैप, और बेबी को रैप करेंगे अच्छे से, बेबी को रैप करके उसके फीट करवाएंगे और बेबी को सुला देंगे। अगर आप